क्योंकि ये आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगे लेकिन काफी आसान है। हम क्यों आसान कह रहे हैं, देखिए अगर इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका एक्स का वन आ जाएगा और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग इसे कायदे से लिख देते हैं ना, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। तो एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर टू और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स प्लस वन ये दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए डिनोमिनेटर, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा। तो ये देखिए अब शायद आपको क्लियर हो रहा हो कि अगर इसे हम टी अज्यूम कर लें, लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो वन हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा प्लस वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग डी टी, तो ये चीज़ पूरी डी टी हो गई और ये टी है स्क्वायर तो रहेगा ही इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। लेकिन टी तो आपका डमी वेरिएबल है, टी को रिप्लेस करिए, टी क्या एज्यूम किया था आपने, एज्यूम किया था एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस, सिंपल सा आपका आंसर आ गया, दैट इज योर फाइनल आंसर।